और जी अब हम आगे क्वेश्चन नंबर किस पे, फिफ्थ पे, अरिहंत के सैंपल पेपर नंबर फाइव पे आ गए। ध्यान से देखते हैं कि बुक में क्या कहता है, ये ध्यान से रीड करते हैं। ये कह रहे हैं कोई क्रिस्टेक लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट आपके सामने है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स है, एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है 18,000, डेप्रिसिएशन लग रहा है 60,000। दो मिनट का छोटा सा क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल 4,00,000 से कितना हो गया 6,00,000, तो क्या हुआ है बताओ? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000, ये सुन लो। फिर क्या दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2,00,000 से कितना हो गया 1,75,000, तो 25,000 का इस साल बिजनेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आगे लॉन्ग टर्म बोरिंग 1,75,000 से 2,20,000 हो गई, तो इश्यू की है, इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना बेटा, कितना इश्यू किया बताना जरा एक बार, 45,000 इश्यू हो गए। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 25 से 30 हो गए, तो प्लस कर देंगे, वो कर लेते हैं बाद में कर लेंगे। आगे नॉन करंट एसेट्स में क्या दे रखे हैं बेटा आपको, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, एक बार बनाओ बताना, ओपनिंग में कितनी है, क्लोजिंग में कितनी है, डेप्रिसिएशन कितना लगा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो बैंक से परचेज कितने की आ गई बताओ, 2,10,000। तो यहां माइनस कर दोगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 2,10,000, और यहां ऐड क्या कर दोगे बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना बेटा 60,000। आगे बोलो फिर क्या गिवन है, इन्वेंट्री 50,000 से माइनस स्टॉक 50,000। आगे बोलो ट्रेड रिसीवेबल 1,15,000 से 1,55,000 माइनस कर दो ट्रेड रिसीवेबल कितने, बोलो 1,15,000 से 1,55,000 40,000। आगे बोलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स साल के शुरू में कितना है, 1,85,000, और साल के आखिरी में कितना है 1,70,000, यही है ना बेटा, 1,85,000 से 1,70,000 हो गया। आगे बोलो क्या करेंगे, कोई एडजस्टमेंट में दे रखा है, इंटरेस्ट पे किया 18,000 रुपए, तो क्या लिखेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना 18,000, और यहां क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना बेटा 18,000। कोई डाउट यहां तक किसी को, चलिए आगे। अब बताओ क्या हो गया, सारा क्वेश्चन है, कुछ रह गया बताओ, कितना हो गया ये माइनस के 25,000 और ये प्लस के 78,000, 25 में से 78 गए तो क्या आया बताओ, बताओ भाई 53,000। 90 माइनस किए 85 माइनस का आ गया, 85 क्या आ गया माइनस का, तो बताओ 53 में से 85 गए तो माइनस का क्या आ गया, माइनस 30, माइनस का 32 आ गया। इसका मतलब कैश यूज्ड हुआ है इस बार पहली बार। अब बताओ ये क्या है, माइनस का 2,10,000 और ये बताओ कितना है, 2,45,000 में से 18,000 गए तो क्या आ गया, 2,45,000 में है 2,27,000 क्या आ गया माइनस का, नेट कैश यूज्ड आ गया 15,000। देखो एक बार फिर से देख लो, 2,10,000 और 32,000, 2,42,000, 2,42,000 में से 2,27,000 गए तो इस 15,000 ही आएगा, कितना आ गया 15,000। ओपनिंग कितना है 185,000, तो 185,000 में से 15 गए तो क्लोजिंग क्या आएगा 170,000। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को, हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर किस पे, सिक्स पे, क्या कहता है बुक से, ध्यान से रीड करते हैं। कहता है द समराइज बैलेंस शीट ऑफ आरके लिमिटेड, किसकी बैलेंस शीट है, आरके वालों की, ठीक है।
और इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर मोर्टगेज लोन दे रखा है, क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस को खोल के दे रखा है, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। चले आओ जी शुरू करते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 4000 वर सोल्ड इन 19-20 4250, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 4500, एक फिक्स एसेट हमने बेची है जिसकी कॉस्ट 5000 थी, बेची 6000 में है और प्रॉफिट कहां है उसका, पी एंड एल में, ठीक है। डिविडेंड पे किया है 20000 रुपए, डिविडेंड कितना पे किया है बोलो बेटा 20000। चलो शुरू करें क्वेश्चन करना। अच्छा बताओ शेयर कैपिटल कितने का कितना है, 2.25 से 2.25, कुछ नहीं करेंगे, बस एक काम करेंगे माइनस डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड दिया है बोलो, एडजस्टमेंट पढ़ो क्या दे रखा है डिविडेंड पेड, हां जी क्या इशू ही नहीं हो रहा ना, शेयर कैपिटल देखो 2.25 से 2.25 है, इशू ही नहीं हो रहा, और डिविडेंड कितना पे किया है 20000, तो यहां से माइनस और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या आएगा डिविडेंड पेड, कितना 20000। आगे बोलो क्या हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस को खोल के दे रखा है, हाँ जो हमारे पास जनरल रिजर्व है वो कितना हो गया 1.50 से 1.55, तो लिखेंगे जनरल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5000, और प्रॉफिट कितने से कितना हो गया 28 से 34, तो 6000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन पहले तो था ही नहीं, अब 1.35 का हो गया, तो लिखिए प्लस इशू ऑफ मॉर्गेज लोन 1,35,000, कोई इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट कुछ नहीं दे रखा। अब आ जाओ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या दे रखा है ट्रेड पेबल, जो कि 84 से कितने के हो गए 67, तो कम हो गए ना माइनस, कितने बताओ कम हो गए बोलो, बोल दो भाई कितने हो गए 84 से 67, 3,417 रुपए, 17,000 माइनस। आगे क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्या बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका क्या बनाना पड़ेगा अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाओगे, तो यहां क्या लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, यहां क्या लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस, यहां लिखोगे बैंक में पेड और यहां लिखोगे बाय पी एंड एल मेड, बताओ साल के शुरू में कितना है प्रोविजन 37,500 और साल के आखिरी में सिर्फ कितना है 5,000। आगे पेड दे रखा है कि मेड दे रखा है, मेड दे रखा है 4,500, कितना दे रखा है 4,500, तो बताओ कितना हो गया 38,000 पेड आ गया, कितना पेड आ गया 37 पेड है, तो यहां से माइनस हो गया ऑपरेटिंग में से, और मेड कितना है 4,500। कोई डाउट पहले बताओ यहां तक, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लिया आप लोगों ने मेरे साथ साथ, कोई डाउट पहले बोलो यहां तक, किसी को मेरे किसी बच्चे को डाउट है तो बात कर सकता है बेटा। चलो आगे चले, क्या कहता है एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बना लो जी, लेजर बना लो फिक्स एसेट्स का, सर बताओ ओपनिंग में कितनी है फिक्स एसेट्स बोलो, और साल के आखिरी में कितने की है 160, आया ना, पढ़ो ध्यान से देखो फिक्स एसेट्स, साल के शुरू में 2 और साल के आखिरी में, ठीक है। फिर वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर, क्या कह रहा है वो, एक पार्ट था जो 5000 का था हमने कितने में बेच दिया, तो क्या लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे बैंक ब्रैकेट में सेल, कितने का बेच दिया 6 टू पी एंड एल, प्रॉफिट कितने का हो गया 1000 का, हाँ वो प्रॉफिट में चला गया ना, कोई बात नहीं सिंपल सी बात बता रहा है वो। फिर डेप्रिसिएशन दे रखा है, कोई कोई डेप्रिसिएशन है कहीं बताओ, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा यहां से, क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, हाँ जी कितना हो गया
एक 95 35 हो गया। कैसे परचेस निकलेगा? डेबिट में बैलेंस बच रहा है कि क्रेडिट में? बैलेंस कहां बच रहा है? क्रेडिट में। तो फिर डेप्रिसिएशन ही होगा, और यदि डेप्रिसिएशन दे रखा होता तो मैं यहां से क्या निकाल लेता? परचेस। इसका मतलब परचेस तो हमने कुछ भी नहीं किया। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, देख लो, मेरे को डाउट है थोड़ा सा। कहां? अभी करते हैं, करते हैं, ठीक है। 35 ही है, आगे चले। अच्छा बताओ, सेल कराना लिखे प्लस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना? 6000। यहां क्या लिखेंगे? माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, और प्लस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितना? अब समझो मेरी बात को, जो प्रॉफिट हुआ 1000 का, वो पीएनएल में जाके क्या हो गया? क्रेडिट। क्वेश्चन कह रहा है पीएनएल में क्रेडिट हुआ होगा, तो उसने मेरे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। हम उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उस 1000 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। गॉट इट? इतनी बात। हाँ, उसने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, साइलेंट होता है तो भी उसका मतलब यही होता है कि वो प्रॉफिट कहां गया है। पीएनएल में तो क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है जी, आगे बताओ क्या गिवन है बेटा। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसका भी क्या बनाना पड़ेगा आपको? लेजर बनाना पड़ेगा। बनाओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। बताओ साल के शुरू में कितने की है? 25, और साल के आखिरी में कितने की है? 30। बाय बैंक कितने की बेची है? 4250। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है बोलो? 250 का, 0.250 का। तो यहां से क्या निकल आएगा? बैंक परचेज आ जाएगी कितने की? 5 और 4, 9000 की आ जाएगी। कैसे? 9000 की परचेज आ गई। ओपनिंग 25 थी, साल के आखिरी में 30 है, 4000 की तो बेची भी है। यदि 25 में से 4 की गई तो 21 की बचनी चाहिए थी, बच कितने की गई? 30 की। तो 9 की खरीदी होगी, खरीदी होगी तो क्या करेंगे? माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी? 9000। यहां माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 250 रुपए का, 250 का प्रॉफिट है। अच्छा, प्लस सेल भी तो करी है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की? 4250। कोई डाउट है पहले बताओ यहां तक किसी को? मुश्किल लगा कि आसान लगा? ठीक है, आगे। इन्वेंटरी कितने से कितनी हो गई? 120 से 15 कम हो गई, तो प्लस करेंगे। स्टॉक कितना करेंगे बताओ? 15000 का स्टॉक प्लस करेंगे। आगे बोलो, 15 से कितने हो गए? 227500 माइनस कर दो ट्रेड रिसीवेबल कितने बोलो? 112500। आगे चलो, सीसीई साल के शुरू में कितना है? 74, और साल के आखिरी में? 98500। 24000 आंसर, नहीं 20000 आंसर, हाँ 24 आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 24। चलो अब देखो, ओहो एक अकाउंट, अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स का हो गया, पहला पॉइंट पढ़ो, हो गया एडजस्टमेंट का, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट डिविडेंड वाला भी हो गया, सारे पॉइंट हो गए, तो कितना हो गया ये? 31000 हो गया, और ये कितना हो गया? 35500। 35000 में से 1250 गए, तो 33750 हो गया। ये कितना हो गया? 5 और 250, और ये हो गया 69250 हो गया। यही आ रहा है? बोलो बोलो, यही आ रहा है 69250।
इसमें से अब बताओ ये कितना आ रहा है, 1 14 500 क्या आ गया नेगेटिव, बताओ क्या आ रहा है 69 250 में से 1 14 500 गए तो 45 250 आ गया, कितना आ गया 45, कितना आ गया नेगेटिव तो आएगा, हाँ वो 45 तो नेगेटिव है ना, 82,000 82,250 नेगेटिव आ गया, तो नेट कैश यूज्ड आ गया, क्या आ गया नेट कैश यूज्ड आ गया 82,250। आगे बताओ क्या हो गया बेटा, यहां बताओ 1250 क्या आ गया जनरेटेड, नहीं यूज्ड, नहीं यूज्ड जनरेटेड ही आएगा, और यहां कितना आ गया बताओ 1,00,000 115 आ गया, 115 में 1250 ऐड कर 250 से 250 कैंसिल हो गए, 1,081 गए, 115 में से 81 गए तो